तो भैया ये अभी कहाँ आ गए हम? ये रेलवे लाइन आ गई है यार। आप तो रेलवे स्टेशन है नुसरताबाद खरखड़ी रेलवे स्टेशन, ये पुरानी दिल्ली वाली लाइन है। ये इधर को जो रास्ता जा रहा है, आप इधर को रास्ता हरिद्वार के लिए, ये हरिद्वार के लिए जो लाइन जा रही है पुरानी दिल्ली की, वही वाली लाइन है ये। विकल्प भाई आप रास्ता देख रहे हो इधर वाला जी, ये आपका सादरा के लिए जा रहा है। सीधा जाओगे आप सादरा की तरफ को निकल जाओगे। तो भैया ये दिल्ली देहरादून वाला हाईवे है। हाँ जी विकल्प भाई, तो अभी से अगर मान लीजिए सर 6 महीने पहले की बात करें तो अभी इस पे काम ही चल रहा था। काम ही चल रहा था यहाँ पे, और अब तो ये चालू हो जाएगा कुछ दिन में। हाँ चालू होने वाला है ये, आपका 3 महीने बाद लगभग चालू हो जाएगा आपका। फिनिशिंग पूरी हो रखी है। हाँ जी, और इसका उद्घाटन हो चुका है सर? होना है अभी, उद्घाटन होना है अभी। तो मतलब ये है सर, इसके बनने से तो रेट में उछाल आ चुका है पहले इसके बनने से। ये देखो जहाँ पे आपका 10 का रेट था, यहाँ पे आपका 30 का रेट कहीं नहीं गया। ये इधर वाली कॉलोनी देख रहे हो ना आप विकल्प भाई जी, ये आपकी 10,000 रुपए गज के रेट में थी, अब यहाँ पे आपकी ये मानो आपका 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया। 1 लाख रुपए क्या बात है। अंदर की तरफ जाओगे थोड़ा कम हो जाएगा, 80,000 रुपए हो जाएगा, उससे थोड़ी अंदर जाओगे 60,000 रुपए हो जाएगा। मैन हाईवे पे, मैन जो यहाँ पे रोड होता था सिंगल साइड का। तो मतलब कहने की बात ये है सर कि सिंगल रोड से अब ये 6 लेन हाईवे बन चुका है। सिंगल लाइन से आप ये 6 लाइन हाईवे बन चुका है, और अब यहाँ पे रेट बढ़ने हैं। तो अभी मौका है, मतलब उद्घाटन से पहले भी ले लेंगे तो अभी भी फायदे में रहेंगे। हाँ जी, उद्घाटन से पहले ले लोगे तो अभी रेट थोड़ा सही है, रेट थोड़ा मतलब रेंज में मिल जाएगा आपके। दोस्तों हम आए हैं यहाँ पे साइड पे और देखिए बात करते हैं, क्योंकि आंटी का ये घर है और रह रहे हैं। आंटी कितने घर में, कितने गज में बनाया ये? 100 गज में। और आपने ये किस्तों पे लिया है, नगद पे लिया है? नहीं, किस्तों पे लिया। किस्तों पे लिया है? और कितना पैसा दिया होगा इसके लिए? कुछ पैसे दिया, आधा पैसा दिया है। आधा पैसा दिया है, मतलब आधा पैसा देकर कब जाते हो? आधा पैसा देके आप रजिस्ट्री करा सकते हो। क्या बात है। तो आधा पैसा देकर के रजिस्ट्री के साथ अपने मकान के मालिक आप बन सकते हैं, जैसे आंटी बनी है। तो आप भी आए नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों और एक बार हम फिर से आ चुके हैं जीके आलम प्रॉपर्टी डीलर्स के पास में, और हमारे साथ हैं कैप सर। कैसे सर? तो सबसे पहले तो कैप सर हमारे दर्शकों को बताइए अपने ऑफिस का एड्रेस। ये हमारा लगता है आपका पूजा कॉलोनी में, पूजा कॉलोनी रंजीत गेट, पूजा कॉलोनी रंजीत गेट। अगर आप आना चाहोगे दिल्ली की तरफ से, दिल्ली से आपको आना है खजूरी गढ़, खजूरी आप आओगे तो किसी भी ऑटो वाले के पास जाना, ठीक है, उनसे ये कहना कि भाई हमें पूजा कॉलोनी के लिए जाना है, पूजा चौक के लिए, वो आपको सीधा पूजा चौक पे उतारेंगे। ठीक, वहाँ से आके आप हमें कॉल कर सकते हो, हम अपनी गाड़ी पहुँचवा देंगे, या फिर आप पास में ही आ यहाँ से पूजा चौक आपका, पूजा चौक ये मानो आपका 100 मीटर दूर है यहाँ से, पैदल ही चले जाएंगे। हाँ पैदल ही चले जाओ, 150 मीटर पे पूजा चौक सामने ही है, रंजीत गेट पर ऑफिस है। रंजीत गेट पर ऑफिस। अच्छा सर, कई बार लोग कहते हैं जैसे जेके आलम प्रॉपर्टीज है, इस नाम से एक और भी प्रॉपर्टी डीलर है, काफी फेमस है, तो ये हमारी ब्रांच है, आपकी ही ब्रांच है, हमारी ब्रांच है। ऐसा नहीं कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कि नहीं है ऐसा होता है ना कि डुप्लीकेट ऑफिस खोल लेते हैं लोग। तो यहाँ पे दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऑफिस ब्रांच अलग अलग है और है एक ही। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले सर मुझे बताइए हमारे यहाँ रजिस्ट्री पक्की मिलेगी? पक्की रजिस्ट्री मिलेगी दाखिल खारिज के साथ आपको। ये रजिस्ट्री रखी है मेरे पास? हाँ जी, ये रजिस्ट्री रखी है, देख सकते हो आप। देखिए दोस्तों, आप जब भी आओ आप सबसे पहले आकर के सर से कागज चेक कर सकते हो, रजिस्ट्री देख सकते हो, इस तरीके से रजिस्ट्री होती है। ये देखिए फोटो वगैरह तहसील में जो आपकी खींची जाती है, तो सारी ही चीजें उनका भी फोटो है, और जिन्होंने बेची है उनके नाम भी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चीजें आपको बिल्कुल एकदम जेन्युइन मिलने वाली है। और अगर कोई सिर्फ बुकिंग कराता है, कितने से बुकिंग कर देता है? बुकिंग कराता है तो कोई वो आपकी वो इच्छा है, वो कितना भी दे सकते हो, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, जितना भी दोगे प्लॉट में घटेगा आपको। तो जल्दी से दोस्तों आइए आप सबके ऑफिस में, और हम चलते बिना देरी किए साइट पर, ऑन लोकेशन दिखाते हैं। तो क्या भैया ये वाला जो मेन रोड है, ये सिग्नेचर वाली साइट है हमारी? हाँ जी। और इस रोड पे मैंने सुना पैठ बाजार भी लगता है हफ्ते में? हाँ जी, यहाँ पे हफ्ते का 2 दिन का बाजार लगता है, वेडनेसडे को और सैटरडे। और ये जो बाउंड्री है ये किस चीज की बाउंड्री है? बगल में बाउंड्री हो रही है, ये आपकी जीडीए के फ्लैट बनेंगे इसमें, 11 मंजिल ऊंचे जो फ्लैट बनते हैं जीडीए के। जी जी, इसमें फ्लैट बनेंगे, मतलब सरकारी फ्लैट यहाँ पे बनने वाले हैं दोस्तों। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल मेन रोड है, इसी मेन रोड पे पैठ बाजार भी लगता है, और परमानेंट मार्केट भी है परचून की बाकी चीजों की यहाँ पे। हाँ जी, मार्केट भी है, और जो जो मार्केट है वो हमने बनवा रखी है, हमने बनवा कर किराए पे छोड़ रखी है, जो हमारी जो कॉलोनी है उनकी सुविधा के लिए, जो मतलब रहते हैं ना हमारे कस्टमर, उनकी सुविधा के लिए कहीं पे मेडिकल स्टोर हो गया। तो यही कॉलोनी है सर हमारी? हाँ जी, यही कॉलोनी है जो। तो मार्केट, मेडिकल स्टोर, सब कुछ चीजें यहाँ पे आपको दोस्तों मिल रही है, और कॉलोनी में बसावट पूरी मिलेगी। हाँ जी, कॉलोनी में बसावट पूरी।
दोस्तों आ चुके हैं हम साइट पर, और कैब भाई ये बताइए ये साइट हमारी कौन सी है? ये आपकी अर्थ सिटी है। अर्थ सिटी, और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये मेन हाईवे है जो हमारा दिल्ली देहरादून वाला। हाँ जी। कितनी अंदर खड़े हैं अभी वहाँ? ये मेन हाईवे से ये मान के चलो आप खड़े हो 2 किलोमीटर अंदर। 2 किलोमीटर एग्जैक्टली। तो 2 किलोमीटर हम अंदर आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सामने ही इंडस्ट्रियल एरिया भी है। हाँ जी, सामने आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा, कंपनी इलेक्ट्रॉनिकल सिटी लगता है आपका, दिल्ली एक्सटेंशन सिटी कहते हैं इसे। इसमें आपको सारी की सारी तो फैक्ट्री मिल जाएगी, सारे काम होगी आपको, स्पोर्ट लाइट की फैक्ट्री है ये। और यहाँ से मैं जैसे मकान ये भी सारे नए बना रहे हैं, तो मुझे लग रहा है शायद नई लॉन्च करी है ये। नई कॉलोनी लॉन्च करी हमने, ये मसाव, ये जितनी भी आप मसाव देख रहे हो ना, ये हमारी 5 महीने के अंदर अंदर मसावत है। कैमरा घुमा के दिखा दो। देखिए सामने आप देख सकते हो कि मकान सारे नए बने। अच्छा एक अच्छी बात ये है कि इधर तो आपको मकान देखेंगे कॉलोनी, और चारों तरफ आप पीछे देखोगे ना तो पूरी फैसिलिटी कॉलोनी मिलेगी। पूरे मकान यहाँ पे बने हैं, कई हजार परिवार रह रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे नई कॉलोनी जरूर है लेकिन सुविधाएं सारी मिलेगी। सारी सुविधा मिलेगी आपको, स्कूल भी, स्कूल की हर चीज की सुविधा मिलेगी। तो क्या भैया ये दूसरी कॉलोनी पर ले आए आप? आज ये दूसरी कॉलोनी है आपकी, है दिल्ली सिटी। अच्छा तो यहाँ पे भी सुंदर सुंदर मकान बन रहे हैं, और सामने नीली बिल्डिंग कौन सी है? नीली बिल्डिंग ये बच्चों के लिए प्ले स्कूल बन रहा है। क्या बात है। तो अब मुझे ये बताओ सर, यहाँ पे भी अगर कोई चाहता है प्लॉट 25 गज का या 25 गज का मकान तो मिलेगा ना? हाँ जी मिल जाएगा। ये सामने कितने गज बन रहा है? और इसके बराबर में जो भी बन रहा है? ये बराबर में जो बन रहा है ये है लगभग 40 गज का। क्या बात है। तो सर अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या रेट होने वाला है, या यहाँ सबसे पहले बताइए, स्कूल तो देखिए एक कॉलोनी में ही हो गया, बाकी स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? बाकी स्कूल एक सामने रोड पे ही आपका स्कूल है, सरकारी स्कूल है। अच्छा ठीक। एक दूर में तुम्हारा प्राइवेट स्कूल है, वो थोड़ी सी आगे जाओगे आप तो प्राइवेट स्कूल मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं मार्केट की, जैसे आपने बताया पैठ बाजार तो है ही, लेकिन अगर कोई बड़ी मार्केट है जहाँ पे और बड़ी चीजें लेनी हो, मतलब A to Z सारी चीजें मिल जाए आपकी? ट्रोनिका सिटी की मार्केट है, ट्रोनिका सिटी आपका लगभग यहाँ से जाओगे ना तो 5 से 6 मिनट लगेगी आपको जाने में। अच्छा ट्रोनिका सिटी आपको बहुत बड़ा बाजार लगता है, सारी चीज की सुविधा मिलेगी आपको। तो अब मुझे सर मेन करते हैं मुद्दे की बात, क्या रेट होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे आप लोगे तो यहाँ पे आपका रेट है 16,000 रुपए गज का। इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? इस सोसाइटी की। और मिनिमम जो हमारे पास में रेट है कहाँ से शुरू हो जाता है वो? मिनिमम हमारे पास जो रेट है वो 10,000 रुपए गज से स्टार्टिंग है। 10,000 रुपए गज से हमारे पास 20,000 रुपए गज तक रेट है। 10 से 20,000 रुपए तक, मतलब अलग अलग साइट पे? सारी अलग अलग साइट है, अलग अलग कॉलोनी है, 18 कॉलोनी है हमारे पास। तो सर ये बताओ टोटल कितनी कॉलोनी चल रही है? 18 कॉलोनी चल रही है टोटल, और सब में ही ऐसी बसावट है? हाँ सब में ही ऐसी बसावट है, कुछ नई कॉलोनी भी है, एक दो नई कॉलोनी भी है। तो क्या भी है, जैसे कि मकान तो बन रहे हैं यहाँ पे, ये गाटर सिल्ली बन रहा है, बगल का लेंटर में है, तो अब आपने जैसे प्लॉट का रेट तो बता दिया मुझे, तो 25 गज का प्लॉट कितने का बैठेगा? 25 गज का प्लॉट बनवाओगे गाटर सिल्ली में तो आपका बैठेगा 4 लाख के करीब का लगभग। मकान अगर लेते हैं गाटर सिल्ली में इस तरीके से, और अगर मैं मान लीजिए इसको किस्तों में लेना चाहूँ तो कैसे रहेगा? किस्तों में लेना चाहोगे तो भाई आपको 3 साल का टाइम मिलेगा, 3 में नहीं हो पा रहा आप पे 3.5 कर लो, 4 कर लो, और आपकी 30% किस्त आते ही, ये मान के चलो आपका प्लॉट पड़ रहा है 5 लाख का, 1.5 लाख रुपए आपके आते ही आप प्लॉट बनाकर रह सकते हो। भाई के 1.5 लाख रुपए आ चुके हैं तो देख रहे हो इनका प्लॉट बन रहा है, बाकी आप कितने प्लॉट दोगे ना इस कॉलोनी में, किसी की पूरी पेमेंट नहीं आई, सब कोई आधी पेमेंट पर प्लॉट बनवा रहा है, कोई 30% बनवा रहा है, किसी की पूरी पेमेंट नहीं आई। तो ये बताइए सर, जैसे कि रजिस्ट्री करवानी हो उसके लिए कितना पैसा लेते हो? रजिस्ट्री करवानी हो आपको तो रजिस्ट्री होगी आपकी हाफ पेमेंट पे, आधा पैसा चाहिए उसके लिए, आधा पैसा चाहिए, आधा आधा पेमेंट आते ही आप रजिस्ट्री करा सकते हो। तो दोस्तों जल्दी से कर सकते हैं आप कैब भाई से संपर्क, जेके आलम प्रॉपर्टीज से, और देखिए सुंदर सुंदर यहाँ पे मकान बने हुए हैं, बना रहे हैं और बना के दे भी रहे हैं, तो आप जल्दी से करें संपर्क। मैं विकल्प लेता हूँ, विदा मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद जय भारत।